अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ एग। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शन की सीरीज लेकर चल रहे हैं, तो इससे पिछली वीडियोस में हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसके हेड, बाकी बॉडी जो मिड पीस और टेल है उसके मतलब पढ़ा था, फिर हमने उसकी मॉडिफिकेशन पढ़ी थी। आज जो हम लोग टॉपिक लेके जाएंगे वो होगा फीमेल की गैमेट्स के मतलब हम लोग बात करेंगे, जिसे एग या ओवम कहते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आज की वीडियो इस पे होगी। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जैसा कि स्ट्रक्चर ऑफ एग की तरफ अगर हम लोग आते हैं तो एग को डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। इसे हम लोग फीमेल गैमेट भी कहते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा इसको ओवम का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। तो एग जो फीमेल की बॉडी में बनता है, जिस ऑर्गन में बनता है, उसे हम लोग ओवरी कहते हैं, ठीक है। ये जब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे तब देखेंगे। तो जो एग या ओवम होता है, ठीक है, ये ओवरी में प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे बनाया जाता है, वहाँ पे इसकी अरेंजमेंट होती है, फिर बाद में इसे फीमेल बॉडी की जो बाकी रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसमें रिलीज किया जाता है। तो जो एक टिपिकल एग होता है, ठीक है, एक टिपिकल ओवम होता है, उसके अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। आज हम उसकी तरफ आएंगे। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये एक एग स्ट्रक्चर है, एग का स्ट्रक्चर है, जिसके सेंटर में ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है जी। ये वाला जो पार्ट होगा इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है जी। और न्यूक्लियस के अंदर ये जो हम आपको कॉइल फॉर्म में नजर आ रहा होगा, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जैसा कि हमें पता है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। अच्छा जी, उसके बाद जिस तरह एक सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इसी तरह न्यूक्लियस के सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो डार्क कलर में आपको ब्लैक डार्क पॉइंट स्पॉट नजर आ रहा होगा बिल्कुल सेंटर में, इसे हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। लेकिन एग कंडीशन में हम लोग इसे कहते हैं जी स्पॉट, ठीक है जी। हम लोग इसे क्या कहते हैं, जर्मिनल स्पॉट यानी जी स्पॉट। और एग की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेल लेवल पे न्यूक्लियस और जी स्पॉट हम लोग अलग-अलग कहते हैं, लेकिन जब हम लोग एग की बात करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल गैमेट एग की बात करते हैं, तो तब हम लोग इन दोनों को कंबाइन, ठीक है जी, एग और न्यूक्लियस जी स्पॉट को कंबाइन एक नाम देते हैं, उसे कहते हैं जर्मिनल वेजिकल, ठीक है जी। उसे हम लोग किस नाम से पढ़ते हैं, जर्मिनल वेजिकल। न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल और जी स्पॉट यानी न्यूक्लियोलस को कंबाइन हम लोग कहते हैं जर्मिनल वेजिकल। देन उसके बाद आपको ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ब्लू कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है जी। क्योंकि एक सेल है और जैसा कि इसी ने आगे पूरे इंडिविजुअल में डिवेलप होना है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो बॉडी बनाने के लिए जितना भी मटेरियल वगैरह होगा या जो वर्क होगा वो सेल नहीं करवाना होता है, ठीक है। तो लिहाजा एनर्जी की जो प्रोडक्शन वो लाजमी होगी, उसके लिए सेल में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर जो आपको ब्लू स्पॉट नजर आ रहे हैं ये बेसिकली क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये मिलियंस में होते हैं, ठीक है जी। माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं मिलियंस में होते हैं, और जाहिर सी बात है साइटोप्लाज्म में होंगे। अब उसके बाद जो एक एग का साइटोप्लाज्म होता है, इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और पेरिफेरल किनारों की तरफ ग्रेनुलर स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जो आपको यहां पर रेड कलर में नजर आ रहा होगा। इस हिस्से को हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है जी। ये वाला जो हिस्सा होगा यहां से लेके यहां तक का, इस हिस्से को हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। अब ये जो कॉर्टेक्स होता है, इसके अंदर ये जो ग्रेन्यूल्स हैं, जो कि आपको रेड कलर में वीडियो में नजर आ रहे होंगे, ये जो रेड कलर के ग्रेन्यूल्स होते हैं कॉर्टेक्स में मौजूद हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ठीक है जी। इनका नाम क्या होता है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। इन ग्रेन्यूल्स के अंदर, ठीक है जी, इनका काम क्या होता है, जब स्पर्म ने एंटर होना है तो जिस मेम्ब्रेन के पोर्शन को रप्चर करके स्पर्म ने एंटर होना है, उस हिस्से को बाद में रिपेयर करना इन ग्रेन्यूल्स का काम होता है। इसके अलावा इस कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में, ठीक है जी, कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में क्या होता है जी, कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं, ठीक है जी।
कॉर्टेक्स वाले हिस्से में क्या मौजूद होती है, माइक्रोट्यूबुल. जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है देन उसके बाद ये जो माइक्रोट्यूबुल्स होती हैं ये माइक्रोफिलामेंट बनाती हैं. ठीक है जी, माइक्रोट्यूबुल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहां पे क्या बनाती हैं, माइक्रोफिलामेंट. ये माइक्रोफिलामेंट जाहिर सी बात है अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो ये जाइगोट बाद में डिवाइड करता है, इसके अंदर क्लीवेज होना शुरू होती है, एक से दो, दो से चार सेल बनते हैं. तो वो जो क्लीवेज के लिए माइटोटिक ऑपरेटस चाहिए वो यहां पे बन रहा होता है. ठीक है जी, वो माइक्रोफिलामेंट्स माइक्रोट्यूबुल्स जो कि कॉर्टेक्स हिस्से में होती हैं उनके जिम्मे होता है, उन्होंने बनाना होता है. अब ये तो था जी सेल के या एग के अंदर वाले हिस्से की तरफ. ठीक है, यहां पे हमने सिर्फ दो मेजर स्ट्रक्चर पढ़े, एक कॉर्टिक, उसके अंदर जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है उनका फंक्शन क्या है. स्पर्म जब एक सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करके स्पर्म एंटर हो जाता है तो उसके बाद उस मेम्ब्रेन की रिपेयरिंग करना, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के जिम्मे. इसके अलावा इस हिस्से में माइक्रोट्यूबुल्स होती हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाती है, माइक्रोफिलामेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट स्ट्रक्चर में, जिन्होंने माइटोटिक ऑपरेटस बनाना होता है ताकि फर्दर डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो, फर्दर सेल डिवीजन होती रहे. अब इसके अलावा हम लोग यहाँ पे मजीद आरएनए न्यूट्रिएंट्स किस तरह होते हैं, ओपोप्लाज्म की कंसंट्रेशन क्या है, हम लोग उसके मतलब अभी बात नहीं कर रहे. अब हम आते हैं जी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की तरफ के सेल के साइटोप्लाज्म के बाहर मेम्ब्रेन का कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है. तो सबसे पहले जी जो इसके मौजूद होती है, जो साइटोप्लाज्म कवर करती है, उसे हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. ठीक है जी, हम उसे किस नाम से पढ़ते हैं, सेल मेम्ब्रेन. और इस सेल मेम्ब्रेन के अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो स्ट्रक्चर होता है वो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के मतलब डिफरेंट मॉडल आते हैं, मोस्ट एक्सेप्टेबल जो होता है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, लेकिन यहां पे जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है एग के अंदर वो होती है यूनिट मेम्ब्रेन. ठीक है, वो कौन सी होती है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल होता है. ठीक है जी, और इस मेम्ब्रेन के मॉडल के मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन होगी दरमियान में इसके इस तरह लिपिड बायलेयर की क्लियर होगी जो कि अप्रोक्सीमेटली 60 A थिक होगी. इसके ऊपर प्रोटीन की सैंडविच किया गया होता है और एक प्रोटीन की जो होती है थिकनेस वो होती है 50 A. ठीक है जी, तो ये होता है सेल मेम्ब्रेन का मॉडल. ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन. और ये क्या करती है जी, साइटोप्लाज्म को कवर कर रही होती है. ठीक है जी, कहां पे होती है, जैसे ही कॉर्टेक्स के आफ्टर एक मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर आता है इसे हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. ठीक है जी, कंपोजिशन आपको इसकी पता है कि वह किस तरह होती है, इसके अंदर लिपिड्स और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ट्रेस अमाउंट में माइनर मॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं. देन उसके बाद ये ग्रीन कलर की जो आपको नजर आ रही होगी यहां पर, यह है सेल मेम्ब्रेन. तो इसकी तरफ आ जाते हैं, ये क्या होती है जी, सेल मेम्ब्रेन है. सेल मेम्ब्रेन से ऊपर, अब ये नॉर्मल एक सेल का स्ट्रक्चर होता है कि सेल मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा, अंदर ऑर्गेनेल्स होंगी. अब एग की कंडीशन की तरफ आए तो एग के अंदर सेल मेम्ब्रेन से एडिशनल मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं जिन्हें हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. तो उस टॉपिक की तरफ आते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन के बाद किसकी जिक्र आता जी, एडिशनल मेम्ब्रेन. ठीक है जी, एडिशनल मेम्ब्रेन. तो दो तीन या चार मेम्ब्रेन्स भी हमें एग के अंदर नजर आती हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में या डिफरेंट एनिमल टू एनिमल जब ये वेरी करती हैं. तो जैसे ही सेल मेम्ब्रेन से आगे की तरफ जाते हैं तो यहां पे आपको ब्लैक कलर में एक मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, इसे हम लोग कहते हैं विटिलाइन इनवेलप या विटिलाइन मेम्ब्रेन. ठीक है जी, तो सबसे पहली लेयर जो होती है जिसे हम लोग किस नाम से पढ़ते हैं, प्राइमरी मेम्ब्रेन. ठीक है, ये कब होती है जी, आफ्टर सेल मेम्ब्रेन. ठीक है जी, सेल मेम्ब्रेन के फौरन बाद एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम लोग किस नाम से पढ़ते हैं, प्राइमरी मेम्ब्रेन. इसको डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल इंसेक्ट, बर्ड्स, ठीक है जी, एम्फीबियन और कुछ कंडीशन में मैमल्स भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, उसके अंदर इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं विटलाइन मेम्ब्रेन या इनवेलप. ठीक है जी, इस प्राइमरी मेम्ब्रेन को हम लोग क्या नाम देते हैं,
तो सेल मेम्ब्रेन से बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, बाहर की तरफ जिसे हम लोग कहते हैं विटलाइन, इनवेलप विटलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है, इंसेक्ट एम्फीबियन और मैमल्स और बर्ड्स में से विटलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें फिशेस की, ठीक है जी, तो फिशेस के अंदर इसी विटलाइन इनवेलप को, ठीक है जी, एक और नाम दिया जाता है, वो क्या जी, कोरियोन्स, ठीक है जी। तो एडिशनल मेम्ब्रेन में सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन से बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम प्राइमरी मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है जी, पहली मेम्ब्रेन। अब इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस और मैमल्स में से कहते हैं विटलाइन मेम्ब्रेन या विटलाइन इनवेलप, और जबकि फिशेस के अंदर इसी मेम्ब्रेन को कोरियोन्स का नाम दिया जाता है। और ये मेम्ब्रेन, ठीक है, फर्ज करें अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो ये मेम्ब्रेन बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी होती है एट द स्टार्ट, लेकिन जैसे जैसे सेल मेच्योर होता है तो ये उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है जी, सेल मेम्ब्रेन और विटलाइन इनवेलप के दरमियान स्पेस प्रोड्यूस हो जाती है, जैसे हम लोग कहते हैं विटलाइन या प्री विटलाइन स्पेस, ठीक है जी। तो ये होती है पहली मेम्ब्रेन, और अगर हम लोग इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन की, ठीक है जी, ये किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की। और फंक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका फंक्शन होता है स्पीशीज स्पेसिफिक बाइंडिंग, ये एक खास स्पीशीज के स्पर्म को, ठीक है, जैसा कि फीमेल की अगर बात करें तो जो फीमेल का एग होगा इसका जो विटलाइन इनवेलप है उसका काम है उसी स्पीशीज के मेल के स्पर्म को रिकॉग्नाइज करके अटैच करवाना, ठीक है, थीके? तो ये स्पीशीज स्पेसिफिक स्पर्म बाइंडिंग में काम करता है। देन उसके बाद जैसे ही हम लोग विटलाइन इनवेलप से आगे आते हैं तो एक ब्लू कलर की यहां पर आपको लेयर नजर आ रही है जो कि सेकेंड लेयर के है, इसीलिए ऐसे हम इसे कहते हैं सेकेंडरी, ठीक है। तो दूसरी लेयर क्या होगी, सेकेंडरी लेयर है। अब ये जो सेकेंडरी लेयर होती है, ठीक है जी, इस लेयर को हम लोग कहते हैं जोना पैलोसिटा, ठीक है जी, इस सेकेंडरी लेयर को हम लोग किस नाम से पढ़ते हैं, जोना पैलोसिटा के नाम से इसे पढ़ा जाता है। ये जो जोना पैलोसिटा होती है ये सेल ही, या आप ये कह लें कि जो होते हैं उसके ओवरी के सेल्स वही रिलीज करते हैं, ठीक है, एक केमिकल ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीशन होती है जो कि सेल के इर्द गिर्द आ जाती है, जिसे हम लोग किस नाम से पढ़ते हैं, जोना पैलोसिटा के, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। अब जोना पैलोसिटा जो कि स्कैंडल, इसके बाद एक टर्शियरी लेयर होती है, ठीक है, या थर्ड लेयर हम लोग इसे कहते हैं, जो कि जोना पैलोसिटा के साथ ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी, ये क्राउन फॉर्म में इसकी अरेंजमेंट होती है, इस लेयर को हम लोग कहते हैं कोलम्बस, ठीक है जी। और इसकी जो इनर लेयर होती है जो बिल्कुल जोना पैलोसिटा के स्टार्ट होती है उसे हम लोग कहते हैं क्रोना रेडिएटा, ठीक है जी, ये जो लेयर आपको इररेगुलर फॉर्म में नजर आ रही होगी इसे हम लोग कहते हैं क्रोना रेडिएटा। ठीक है जी, क्रोना रेडिएटा। और ये जिन सेल्स से मिलके बनती है वो होते हैं फॉलिकुलर सेल, ठीक है जी, और जिन्होंने बाद में फॉलिकुल की तरफ जाना होता है। अब ये जो क्रोना रेडिएटा होती है इसका लफ्ज जो है क्राउन, क्रोना जो लफ्ज है ये निकला है क्राउन से, जिस तरह एक क्राउन की अगर हम लोग शेप देखते हैं तो वो कुछ ही शेप में होती है, ठीक है, जिस तरह एक क्राउन जो ताज होता है नॉर्मली वो इस शेप में होता है और ये लेयर भी इसी तरह बनी होती है, तो इसलिए ऐसे से कहते हैं क्रोना रेडिएटा। तो ये एडिशनल लेयर्स होती हैं जो कि एक एग सेल के अंदर होती हैं, क्योंकि ये एग सेल है, एग है, ठीक है जी, एक सेल ही होता है, इसके बाहर की तरफ होती हैं, सेल मेम्ब्रेन के बाद होती हैं, लिहाजा हम लोग इसे एडिशनल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। इसमें सबसे पहले आती है विटलाइन, ठीक है जी, देन उसके बाद आती है जोना पैलोसिटा, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होती है। देन उसके बाद आती है एक लेयर जिसे हम लोग क्रोना रेडिएटा नॉर्मली कहते हैं, लेकिन ये इनर लेयर होती है कोलंबस की। अब ये क्रोना रेडिएटा क्यों कहते हैं, क्योंकि क्रोना का लफ निकला क्राउन से, जिस तरह क्राउन की अरेंजमेंट होती है ये उसी तरह होती है। और ये क्या होती है, फॉलिकुलर सेल इसके अंदर होते हैं, ठीक है, ये फॉलिकुलर सेल से मिलकर बनती है। तो ये एक टिपिकल एग का
स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके इर्द गिर्द एक लेयर और होती है जिसके अंदर ये बंद होता है, और तब हम इसे फॉलिकल का नाम दे रहे होते हैं। जैसे ये एक फॉलिकल से बाहर निकलता है, ठीक है, ये एक ओवम ओवुलेशन का प्रोसेस होता है। ओवम बाहर निकल आता है, एग बाहर निकल आता है और फीमेल के जो फ्लॉपियन ट्यूब है उसमें से गुजरना शुरू करता है, तो तब ये लेयर्स होती हैं जो इसके अंदर होती हैं। इसमें कुछ एनिमल्स की अगर हम लोग बात करें तो एक एक्स्ट्रा जेली मटीरियल भी मौजूद होता है इर्द गिर्द। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्शन के लिए होता है। कैसा कि कुछ एग्स होते हैं जिन्हें फर्ज करें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करनी पड़ती है, तो एग जब फीमेल की बॉडी से रिलीज होते हैं तो इसके अंदर हाई अमाउंट, ठीक है जी, न्यूट्रिशन क्वांटिटी मौजूद होती है। तो बहुत से एनिमल दूसरे जानदारों के एग को एज अ न्यूट्रिशन भी लेते हैं, ठीक है, खुराक, पसंदीदा खुराक के तौर पर भी खाते हैं। तो लिहाजा उन जानदारों में एक एक्सटर्नल जेलिटिशनस या जेली लाइक, ठीक है, एक मटेरियल सेल एग या एग के इर्द गिर्द होता है जो कि उसे बैड टेस्ट देता है, जिसकी वजह से जानवर उस एग को नहीं खाते। तो यह है जी एक स्पर्म एग का स्ट्रक्चर। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक यही था। इसका मतलब अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।